हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यू डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है माउंटेन एटना वोल्केनो के बारे में। तो देखो, जो माउंटेन एटना है वो यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है। ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है कि यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एटना। तो उसी को लेकर भी न्यूज़ है वो आई है, और ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है आफ्टर दैट किसके, कॉकेसस। जो कॉकेसस माउंटेन है उसके बाहर देखा जाए तो यूरोप का जो सबसे एक्टिव वोल्केनो की बात करें वो आता है माउंट एटना। अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि अभी एक तरीके से एक्टिव है वो हुआ था, अभी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, तो उसको लेके न्यूज़ है वो आई है। अब हम इसके बारे में दो तीन फैक्ट देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। देखो, यूरोप के अंदर इटली है, और इटली में एक जगह है जिसका नाम है बेसिकली सिल्ले। तो सिल्ले के ईस्टर्न कोस्ट पर माउंट एटना है, और वहाँ पर इसके अंदर ब्लास्ट है वो भी हुआ था। इससे पहले हम बात करें माउंट एटना की, तो माउंट एटना में 1992 में एक मेजर एक तरीके से विस्फोट है वो देखने को मिला था। हम कह सकते हैं कि 1992 में लास्ट टाइम एक्टिवेट हुआ था, और इसके बाद अब वापस एक्टिव है वो हो गया है। अब देखो, ये एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे भी है कि आपको पता है कि जो इटली वाला एरिया है वो आता है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन, मतलब वहाँ पे यूरोपियन जो प्लेट है और जो अफ्रीकन प्लेट है वो आपस में मर्ज हो रही होती हैं, इसलिए वहाँ पे वोल्केनो है। आप बोल सकते हो तरीके से भूकंप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती रहती हैं। तो यह ध्यान रखना कि जो माउंट एटना है वो कौन कौन सी प्लेटों के ऊपर है, अफ्रीकन और जो यूरोशियन प्लेट है इन दोनों के टकराने के एरिया पे बना हुआ है। और इसी के साथ ही माउंट एटना वोल्केनो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है कोस्ट गार्ड को लेकर। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कच्छ वाला एरिया, आपको पता है कि उसमें काफ़ी डिस्प्यूट है, और कच्छ वाले एरिया के अंदर एक हिस्सा है जिसका नाम है सर क्रीक एरिया। जो सर क्रीक एरिया है वो विवादित है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि गुजरात का कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके एरिया के अंदर है वो आता है। तो इस पर अब जो पाकिस्तान है वो कहता है कि भाई ये मेरा एरिया है और इंडिया है बेसिकली इसका। अभी जो हम बात करें तो इंडिया की ज्यूरिडिक्शन में ये एरिया है वो इनकवर है वो होता है। अब देखो, आपको पता है कि जो गुजरात का कच्छ वाला एरिया है वो काफ़ी दलदल भरा एरिया है, मतलब वहाँ पे अगर टाइड आते हैं हाई टाइड तो उस कंडीशन में तो एरिया में पानी आज मतलब जो पानी है वो सरफेस फैल जाता है, अदरवाइज़ वहाँ पे पानी है वो कम रहता है। तो दलदली एरिया है, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोस्टली एरिया होते हैं जहाँ पर दलदल होता है उसी टाइप का एरिया वो है। तो वहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करता है, और इसीलिए इंडिया ने उस एरिया में होवरक्राफ्ट्स हैं उनको स्थापित करने की बात है वो की है। अब देखो, होवरक्राफ्ट क्या होते हैं वो देखते हैं। होवरक्राफ्ट और देखो एक तरीके के प्लेन ही होते हैं, जिस तरीके से जो जहाज होती है और जो फ्लाइट होती है इन दोनों के बीच का वर्जन होता है, कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि जल पे भी चल सकते हैं, कीचड़ में भी चल सकते हैं, और इसी के साथ जो थल वाला एरिया है उस पर भी एक्टिव फॉर्म में काम है वो करते हैं। तो अभी इनको वहाँ पे स्थापित किया गया है ताकि कच्छ वाला जो एरिया है, जो सरक्रीक वाला एरिया है, उसके अंदर सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके ताकि वहाँ से कोई भी थ्रेट इंडिया में ना हो सके। तो ये हमें यहाँ पे फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। अब देखो, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो होवरक्राफ्ट है वो क्या होता है, एम्फीबियस व्हीकल। एम्फीबियस का मतलब क्या होता है, उभयचर, मतलब जल और थल जो दोनों पे चल सके। इसके साथ ही ज़मीन पे भी चल सकता है, पानी में भी, कीचड़ में भी, बर्फ़ में भी, और भी जो सरफेस है उन पे काम है वो कर सकता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो सर क्रीक का जो एरिया है वो कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ में है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 का वार हुआ था उसके बाद इस पर डिस्प्यूट भी बना हुआ है। इससे पहले तो क्या था कि ये एरिया काफ़ी निर्जन था, तो यहाँ पे किसी भी कंट्री का क्लेम है वो नहीं था, ना ही इंडिया की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। पर 1965 का जब वार हुआ तब उसके बाद इंडिया के ये जो एरिया है वो इंडिया के अंडर ही है। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि सर क्रीक एरिया वो है कहाँ पे, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है स्मार्ट मीटर्स के बारे में। मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो मिनिस्ट्री है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं आर के सिंह, उन्होंने अभी एक तरीके से डिसीजन लिया है कि भाई 2019 के एंड तक, या नेक्स्ट जो 3 साल हैं आगे की उनके एंड नेक्स्ट 3 ईयर में हम ऐसा मीटर्स लेके आएंगे लोगों के लिए जो कि प्रीपेड मीटर के तौर पर काम करने वाले हैं, मतलब प्रीपेड स्मार्ट मीटर। लाइट के जो मीटर होते हैं उनकी बात की गई कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर होते हैं वो स्मार्ट और प्रीपेड मेथड के होंगे। प्रीपेड का मतलब क्या होगा, पहले आप उसमें पेमेंट करो उसके बाद वो काम है वो करेंगे। तो देखो, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो हम देखते हैं। जो प्रीपेड मीटरिंग होंगे इसका एक बेनिफिट एक तो ये हो जाएगा कि लोग हैं वो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे,
अब देखो क्या होता है कि लोग फिजूल खर्चे करते हैं, जब प्रीपेड हो जाएगा इसका मतलब पहले पेमेंट करना होगा उसके बाद यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग हैं वो एनर्जी को जो कंजर्व है वो करेंगे। इसके साथ ही जो डिस्कॉम है उनकी भी हालत सुधरेगी, और जो पावर का लॉसेस होता है उसमें भी काफ़ी हद तक हमें एक तरह से जो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, और जो ईजी ऑफ बिल पेमेंट है उसमें भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब जो लाइट का पेमेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट वगैरह होता है वो काफ़ी ईजी है हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें जिस तरीके से फ़ोन में टॉप अप करते हैं उसी तरीके से मीटर में टॉप अप करना होगा, और उसके बाद हम उसको यूज है वो कर सकते हैं। और एक देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है कि रिड्यूसिंग एटी एंड सी लॉसेज। एटी एंड सी लॉसेज का मतलब होता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज। इसका मतलब क्या है वो हम थोड़ा देखते हैं। देखो एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेज का मतलब ये है, आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि ये मान लो ये है पावर ग्रिड या ये है पावर प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये है हमारे घर। अब देखो पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है तो उसमें काफ़ी सारे बीच में मतलब कन्वर्जेंस एरिया होते हैं, जैसे कि पहले आपको पता है कि छोटा सब डिवीज़न होता है, उसके बाद में तरह तरह के डिवीजन्स एरिया होते हैं, इसके पावर हाउस बने होते हैं और उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे तक पहुँचती है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से जनरेट जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से जनरेट की गई है वो हमारे घर तक पहुँचती है, इसके बीच में काफ़ी सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। इसके बारे में देखो अभी हमने रिसेंटली रिपोर्ट भी देखी कि इंडिया के अंदर जो ट्रांसमिशन लॉस है ना लाइट का वो है लगभग 20%, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अदरवाइज वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ में पावर लॉस है वो होता है 5% के आसपास। मतलब अगर 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो कंज्यूमर तक इंडिया में 80 यूनिट ही पहुँच पाती है, 20 यूनिट तो रास्ते में ही जो लाइट के वायर वगैरह हैं उन्हीं में कंज्यूम है वो हो जाती है। तो अभी इंडिया उसको कम करने के लिए इसमें काफ़ी हेल्प है वो मिलने वाली है। अब देखो जो यहाँ से पावर हाउस से लेके हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसके बीच में आपको पता है ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं, वायर भी बिछे होते हैं, तो उनमें भी एनर्जी का लॉस है वो होता है। कई बार जैसे हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे इस तरह के इक्विपमेंट लगे होते हैं, जैसे लोग हैं वो अपने आप घरों के आसपास ही मेन लाइट के ऊपर स्ट्रीट जो लाइट है वो लगा देते हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, तो वो कहीं ना कहीं वो लाइट जिसका एक तरीके से जो डिस्कॉम है उनके पास पैसा नहीं पहुँचता वो आता है एटीएनसी लॉसेज। मतलब वो लाइट जिसका पैसा है वो डिस्कॉम के पास पहुंचता ही नहीं है, वो अपने आप उन्हीं के ऊपर बर्डन है वो बढ़ जाता है, तो उस लॉस को भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प है वो मिलने वाली है। तो ये स्मार्ट जो मीटर कॉन्सेप्ट है वो हमें ध्यान में रखना है कि प्रीपेड मीटर की गवर्नमेंट यहाँ पे बात है वो कर रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है यूनिसेफ और WHO की रिपोर्ट के बारे में। देखो अभी रिसेंटली यूनिसेफ और WHO की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है सर्वाइव एंड थ्राइव ट्रांसफॉर्मिंग केयर फॉर एवरी स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न। तो ये जो एक इक्ट्रोइन की केस स्टडी थी और उसके थ्रू उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, तो इस रिपोर्ट में देखो इंडिया के बारे में भी कुछ फैक्ट आए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में भी। तो इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में भी ये भी कहा गया है कि हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की पहले, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रतिवर्ष 30 मिलियन नवजात बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल में एक तरीके से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो होती है। ध्यान रखना हर साल 30 मिलियन नवजात बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल में देखभाल की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और होता क्या है उनमें से ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो कुछ की तो डेथ हो जाती है, और जो कुछ बचते हैं उनमें कुछ में तो विकलांग हो जाते हैं परमानेंटली या फिर कुछ और तरह की डिजीज उनमें हो जाती हैं। तो ये इफेक्ट है वो सामने आया है। इसी के साथ ही बात करें इंडिया की, तो इंडिया का कुछ डाटा इस प्रकार आया है कि हमारे देश में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 25.4 बच्चों की तो मृत्यु है वो हो जाती है। मतलब जन्म लेते ही समय के कुछ टाइम बाद ही 1000 बच्चों में से 25.4 बच्चों की मौत है वो हो जाती है। और इस तरीके का अगर ये आंकड़ा को हम बड़े लेवल पे देखें तो इंडिया में हर साल लगभग 6.4 लाख नवजात शिशु हैं उनकी डेथ है वो होती है। तो ये कुछ डाटा दिया गया है। इसके साथ ही हम ग्लोबल लेवल की कंडीशन की बात करें तो वैश्विक कंडीशन कुछ इस प्रकार आई है कि 2017 में जो जन्म से 28 दिन होते हैं ना उसमें बच्चों की डेथ होने वाली संख्या को काउंट करें तो वो थी 2.5 मिलियन, और जिसमें इंडिया का रेशियो वो हाईएस्ट रहा है। और जो 2.5 मिलियन जो बच्चों की डेथ होती है 28 दिन के अंदर अंदर उसमें से लगभग 80% बच्चे तो ऐसे पैदा होते हैं जिनका वजन कम होता है, और इसी के साथ ही 65% बच्चे कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि प्री मेच्योर कंडीशन में होते हैं। तो ये डाटा सामने क्या शो कर रहा है कि देखो काफ़ी एन्युकलिटी हो रखी है और जो चाइल्ड मोर्टलिटी रेट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, तो इसे हमें रोकने के लिए स्टेप है वो उठाने होंगे। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1.5 मिलियन छोटे और बीमार नवजात शिशु हैं वो जीवित तो बच जाते हैं लेकिन उनके साथ काफ़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, जैसे कि उनको मस्तिष्क में पैरालिसिस हो जाता है, तो इस तरीके की डिजीज होती हैं जो कि उनको पूरी लाइफ भर झेलनी
पड़ती हैं। तो और यहाँ पे बात की गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट में रखा गया है कि भाई जो नियोनेटल डेथ है इसको हम फोकस करेंगे और इसको रिड्यूस करते हुए हम 12 पे लिखेंगे। अभी देखो इंडिया के हम नियोनेटल डेथ की बात करें तो वो है कितनी है, 1000 में से 25.4 बच्चों की डेथ होती है। तो इसका प्लान ये रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत कि भाई जो 1000 पे 25.4 बच्चों की डेथ हो रही है ना 28 दिन से पहले, इसको कम करके 12 तक लाया जा सके। और इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टेप उठा रही है, तो उसको लेके कुछ फैक्ट वगैरह आए हैं रिपोर्ट स्टडी, तो यह पॉइंट्स का यूज़ है वो कहीं आंसर राइटिंग में भी यूज़ है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है नेवला के बारे में, मोंगोसे के बारे में। कंटेक्स्ट देखो यह है कि नेवले की काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है और उसकी पोचिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसी को लेके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप है वो उठाए हैं। एक्चुअली कंटेक्स्ट में यह था कि नेवले के जो बाल होते हैं, इन बालों का जो पेंटिंग के बुर्स वगैरह हैं उनमें यूज़ होता है, तो इनको काफ़ी इलीगल तरीके से मारा जा रहा है, तो इनकी संख्या में काफ़ी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। अब देखो नेवले की हम बात करें तो इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो पार्ट 2 है उसके तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है। इसके साथ ही हम बात करें साइट्स की, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फनोरा है उसके तहत भी इसको कंजर्व है वो किया गया है। और हम बात करें नेवला की तो वो नॉर्मली इंडिया के जो रूरल एरिया है, कृषि वाला लैंड है, उसमें ये पाए जाते हैं। तो ये नेवले के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो हमें ध्यान में रखना, यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में पाए जाते हैं, तो जैसा नहीं है शेड्यूल सेकंड में पाए जाते हैं। अब देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2018। क्वेश्चन यह है कि स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2018 वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है नीति आयोग, DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, और चौथा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है वो है कि एशियाटिक लॉयन है उनका जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो इंडिया में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि एशियाटिक लॉयन है वो पर्सिया और बर्मा के रीजन में या पर्सिया और बर्मा के बेल्ट में पाए जाते हैं। हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।